करा दिए थे। कौन से केसेस कराए थे बताओ? When new partner brings his share of goodwill in cash and it is retained in the business. और सेकंड केस क्या गया था? Yes, when it is withdrawn from business, जब बिजनेस से पैसा निकाल लिया जाता है। याद आया सबको? ये हमने किया था। तो उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ काम दिया था, याद आया? कुछ इलस्ट्रेशन दी थी, कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन दिए थे। तो आज की क्लास में पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्लास में कहां तक हमने फ्री कर दिए थे बताओ जल्दी से। अरे ये हटा करो भाई, हाँ जल्दी से बताओ, लास्ट क्लास में कहां तक हमने पूरे कर दिए थे? ठीक, ठीक है, 20 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने कर लिया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, या फंस गए हैं वो लोग, तो आइए उन्हें निकालें इस फंसे हुए रास्ते से। 20 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दो पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर आ गया, ए सरेंडर 1/4 हिज शेयर एंड बी 2/5 ऑफ हिज शेयर। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनेगा, ए का सेकंड, ए का शेयर बताओ 3/5 और बी का सेकंड शेयर कितना क्वेश्चन में 2/5 ऑफ हिज शेयर, ये लिखा हुआ है ना, तो 2/5। अब बी का शेयर बताओ कितना है, तो स्टूडेंट सेकंड शेयर कितना आ गया 125, 4/25, 3:4। ये बात सबकी, अब इसके है। क्या कहता है क्वेश्चन? प्लीज अंडरलाइन, सी ब्रिंग्स इन हिज शेयर गुडविल इन कैश। सी अपने हिस्से गुडविल कैश में ला रहा है, तो मुझे पता लग गया कौन सा मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट है, जब एक नया पार्टनर आता है गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है, और फिर विच इज रिटेन इन द फर्म बुक, अंडरलाइन करो। और मुझे यह भी पता लग गया कि जो गुडविल का पैसा है वो कैसा आ रहा है स्टूडेंट्स, रिटेन इन बिजनेस वाला केस में आ रहा है, यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में ही है। तो आइए सबसे पहले आपको फर्म क्या है बताइए, हिस्से की गुडविल क्या है, फर्म की गुडविल सी का शेयर, कितना आ गया 20। तो स्टूडेंट्स अब जर्नटी बनेगी आपकी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, बहुत से स्टूडेंट लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, बात एक ही है, क्या करें क्यों बैकम लिख देंगे बीइंग प्रीमियम, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बोलो करेक्ट है, हो गया है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अभी अभी हमने कौन सा क्वेश्चन करा, अभी मैं आपको उतारने का मौका दूंगा, इसके बाद 21 क्वेश्चन पर आ जाइए। 21 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 21 का फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बीसी 3:2 की रेशियो में, किस रेशियो में स्टूडेंट्स, डी इज एडमिटिंग पेइंग ए प्रीमियम ऑफ 2000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट,
डी आ रहा है, कितने पैसे के लिए आ रहा है? वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और 2000 अमाउंट ला रहा है। ये 2000 कैपिटल के ला रहा है या प्रीमियम के ला रहा है? प्रीमियम के ला रहा है। कहता है शेयर ऑफ बी सी रिमेन एज बिफोर, अंडरलाइन कर लो, शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन एज बिफोर। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि ओल्ड पार्टनर जिस रेशियो में पहले शेयर कर रहे थे, अब भी उसी रेशियो में शेयर करेंगे। इससे क्या सीखा? जब जब ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई हो, हमेशा मान लेना कि जो ओल्ड रेशियो था वही न्यू रहेगा। तो इसका मतलब सैक्रिफाइजिंग भी ओल्ड के बराबर रहेगा, यानी इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइज रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो जैसा पहले बांटते थे अब भी वैसे बांटेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, फिर नए वाले को हिस्सा कब मिलेगा? नए वाले को शेयर देने के बाद जो बचता है ना, वो उसके बारे में बात कर रहा है। सबको आ गया क्लियर? सभी को समझ में आ गया? ठीक है। तो अब ऐसी हालत में क्या एंट्री बनेगी? पहले बनेगी पैसा लाने की 2000 की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और फिर प्रीमियम डेबिट टू बी और सी कैपिटल। किस रेशो में? तो ये हो जाएगा ना आपका। अब इसके बाद पहले मैं इसे उतरवाऊंगा आप लोगों को, और फिर 21 का बी समझाऊंगा। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, 21 के बी पर आते हैं। 21 का बी क्या कहता है जरा देखें। कहता है बी सी 3:2 की रेशो में, कौन सी रेशो में है? डी आ गया 2100 के लिए, कितने हिस्से के लिए आया है? फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितने शेयर के लिए? आगे लिखा है विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी, अंडरलाइन कर ले, विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी 1/12 फ्रॉम सी। स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में जो मैं पढ़ रहा हूं और जो सामने मैंने सॉल्व किया हुआ है, क्या मुझे डिफरेंस बता सकते हैं आप? क्या मुझे डिफरेंस बता सकते हैं? वो जो स्टूडेंट बैठे हैं वहां पर, क्या नाम है आपका? आकाश ने कहा सेम है, मैं इसके बाद बताऊंगा कि रॉन्ग आंसर, ये बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, आप बताएं, आप दोनों बताएं, दोनों के नाम बताएं, अभिषेक और दोनों के अभिषेक नाम है। अच्छा बोलो, दोनों अभिषेक बोलो। वेरी गुड, दोनों ने सही जवाब दिया कि ये जो केस है जो मैंने बोर्ड पर सॉल्व किया है, ये ऑफ का है, तो इसलिए हमें सैक्रिफाइस शेयर निकालना पड़ा। और जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो फ्रॉम का केस है, इट मीन सैक्रिफाइजिंग शेयर गिवन है, सैक्रिफाइस शेयर। तो इसके वर्किंग इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस शेयर तो गिवन है, सिर्फ रेशियो निकालने वाली बात हो जाएगी। यहां पर सैक्रिफाइस शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ा, उसके बाद रेशियो निकाली। स्टेप नंबर वन क्या करा? सैक्रिफाइस शेयर निकाल। स्टेप नंबर टू फिर कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, और यहां पर डायरेक्ट ही सैक्रिफाइस रेशियो निकल जाएगी। और उसके बाद कितने पैसे लेकर आया गुडविल के ये? तो जितना वो लेकर आया है आप इजिली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ये बात सबकी समझ में आ गई। इसमें इनका सैक्रिफाइस शेयर कितना है? 1/6 और 1/12। क्वेश्चन में जो पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? बी सी और नए का है डी। ठीक है, बी का सैक्रिफाइजिंग शेयर कितना है बताइए? 1/6। और सी का सैक्रिफाइजिंग शेयर, तो सैक्रिफाइजिंग हो गई, तो आने वाली की जो गारंटी वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? 2:1 के रेशो में। कैश 21 टू प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एबी में, किस रेशो में? सबको समझ में आ गया? कर पाएंगे आप लोग? ठीक है,
मुझे उम्मीद है इसे उतारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स हम वो करने जा रहे हैं, तो आइए करते हैं। सभी ने इसे कॉपी कर लिया है? देखिए 22 कितने पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, ए और रेशो क्या है उनका? ठीक है, थर्ड पार्टनर जो आ रहा है उसका प्लीज नाम बताइए। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड पार्टनर आ रहा है क्या वो प्रीमियम का पैसा ला रहा है? कितना प्रीमियम ला रहा है? ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? न्यू रेशो गिवन है। तो स्टूडेंट जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन हो करके बोलो हाँ जी, सैक्रिफाइजिंग और गेन क्या निकाल लेंगे? तो आइए हम इनका सैक्रिफाइजिंग गेनिंग निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और भी है, क्या है देखो जरा, ये कहता है गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स एट 1000। स्टूडेंट्स अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर हो तो हम क्या करते हैं उसे डिसअपीयर करते हैं। क्या करते हैं? जिसको आप रिटर्न एफ कहते हैं, समझ में आ गया? अपीयर को क्या कर देना? डिसअपीयर कर देना। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? अगर स्टूडेंट्स मुझे गाइड करें तो बहुत अच्छा है, इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बताइए मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, बताइए मुझे सबसे पहले वर्किंग नोट बनाकर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को डिफरेंस करके सैक्रिफाइस शेयर निकाल लेना चाहिए। उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद गारंटी बना देनी है। एक बात और, कई बार ऐसा होता है इन क्वेश्चंस में कि आप चले थे सैक्रिफाइजिंग निकालने और वो निकल गया गेन, तब क्या करेंगे? तब पिछले चैप्टर याद रखना, जो पिछले आपने चैप्टर पढ़े हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा। तब गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा? यानी फिर जो प्रीमियम आया है वो तो हम देंगे ही देंगे, किसको? सैक्रिफाइजिंग शेयर को, और साथ में सैक्रिफाइजिंग शेयर को गेनिंग पार्टनर से भी पैसा दिलवाएंगे, जैसे चैप्टर में 2 और 3 में करते थे हम, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। याद आ गया? तो वो एंट्री भी हमें पास करनी पड़ सकती है। आइए सबसे पहले वर्किंग नोट जब आप बनाए तो हमेशा हेडिंग डालने की आदत, वर्किंग नोट के सामने सबसे पहले नंबर डाला करें और फिर उसे हेडिंग बताया करें कि क्या है वर्किंग नोट, क्यों है, बताओ क्यों है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स, ओल्ड न्यू का पार्टनर्स के नाम क्या है? ए, ए का ओल्ड शेयर क्या है? बी का न्यू शेयर, उसका निकालने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उसको तो हमें मालूम है गेन ही हो रहा है। दोनों को ही क्या हो रहा है? सैक्रिफाइज या गेन? तो ये भी सैक्रिफाइज है और ये भी गारंटी। सबसे पहले क्या करेंगे? जो ओल्ड गुडविल है उसे राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड गुडविल का वैल्यू क्या है? तो गारंटी क्या बन जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 2A 2B। सही है, गलत है? आप रुक जाओ ना, क्यों गलत है ये बताओ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो क्लास में बताया था कि गुडविल हमारी एसेट्स होती है और अगर आप उसे डेबिट करोगे तो वो तो और हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी। अभी अभी इसे डाउन करना है या इंक्रीज करना है? तो ऐसे कैसे होती है? ट्रेड करने से
इसलिए सही है, बहुत अच्छी बात है, होते जा रहे हैं दिन बन दिन। जब आप आए थे आप बड़े नालायक से लायक होते जा रहे हैं, है ना, सही है ना? हाँ कर रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है। गुड कितने की थी जी? तो अब इसे ओल्ड रेशियो में करेंगे, न्यू रेशियो में करेंगे? तो ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, कितना लिखेंगे? बिंग आउट विल रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर हो तो इलस्ट्रेशन में जाकर भी हेल्प ले सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे? तो कैश अकाउंट डेबिट, बोलो सही है? नहीं लाया? अरे पुरानी भी गुडविल भी 1000 और लेकर भी 1000, चलो ठीक है। तो देंगे आप अच्छा, आप लोग 12th वाले, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट 1000, बोलो सही है? अभी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू और वेरी गुड। अरे ये इतनी मेहनत क्यों करी है भाई हमने, समझ में आ गया ना? रेशो में बोलो करेक्ट हो गया, सही है। अभी अभी देखें, जो नया पार्टनर आया है गुडविल का पैसा लेकर आया है, उसके लिए आपने कितनी गारंटी बनाई? दो। कितनी बनाई? कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पास ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, क्या बोलेगा? तब ऐसी हालत में प्रीमियम करा है, प्रीमियम डेबिट करा है, प्रीमियम से प्रीमियम कैंसिल, एक्चुअल गारंटी क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट ए टू बी। ऐसा कब करना है? जब वो स्पेसिफिकली आपको बोले कि मुझे एक ही गारंटी करवानी है, दो नहीं करवानी। ये बात सबके समझ में आ गई? आप इसे कॉपी कर रहे हैं या रहने दें? करना चाहेंगे? चलो कर लो, जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि चले थे आप सेक्रीफाइस निकालने और आ गया गेन, तो कैसे करेंगे मुझे ये सिखाना है। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें सिखाने का चक्कर ये है कि पार्टनर तो आएगा और वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को पैसे देगा, लेकिन पुराने पार्टनर्स में से जो गेन हो रहा ना जिसको, वो भी देगा। किसको देगा? सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। लेकिन बस फर्क इतना है कि नया पार्टनर तो पैसा लाता है, पुराने पार्टनर का पैसा तो पहले से ही हम फर्म के पास है। कहां पर है? कैपिटल अकाउंट में। तो उसी कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाता है, उसे मंगवाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है? आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आप सभी स्टूडेंट एक बार उसे पढ़ लीजिए। चलिए
सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में नंबर डालना चाहिए और लिखना चाहिए उसका पर्पस। तो बताइए क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, बोलो सही है। अब पहले जो स्टूडेंट बोला भाई, और ये कितना, सभी के समझ में आ गए। सबको आ गया समझ में? अब क्या करना, मुझे जैसे ही गेन आया तो मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे चाहिए गुडविल। क्या चाहिए? नया पार्टनर का नाम बोलो। डी के हिस्से की जो गुडविल है वो क्या दी हुई है क्वेश्चन में, और वो कितने हिस्से के लिए दी हुई है? सामने देखिए क्या करने जा रहा हूं। ये क्या है, तीन हिस्से है ना, बोलो सही है। मनप्रीत तुम ध्यान नहीं दे रहे बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी तो आइए अब हम क्या निकालेंगे, बोलो कितना गया? ये क्यों निकाला? चैप्टर नंबर थ्री, चैप्टर नंबर सेकंड में याद करो, हमें फर्म की गुडविल चाहिए होती है, तभी हम जेनरेंटी बना पाते हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। याद आया? तो इसलिए हमने ऐसा करा। जो स्टूडेंट देरी से एडमिट हुए हैं अगर ये होता 1/8 वन कर देते। बोलो बात क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, स्टार्ट करें। गुडविल ऑफ द फर्म तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए बताइए। अब हमें यह मालूम करना है कि जो गेन वो कितने पैसे देगा। तो सी का अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर कितने के लिए, पूरी दीजिए समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसे, इसलिए ऐसा किया, बोलो करेक्ट है। आप क्या बनानी है, पहली गारंटी में जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था अभी कि सर कैश लिखे या बैंक लिखे, तो मैंने बताया था आज ही की वीडियो लेक्चर में, पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं कि कैश भी लिख सकते हैं बैंक में लिख सकते हैं। सर ज्यादा अच्छा कौन सा है, बैंक अकाउंट ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट आया है, किस लिए आया है, प्रीमियम के लिए आया है, सही है स्टूडेंट्स। दूसरी एंट्री टू, हम ये प्रीमियम किसको देंगे, बी को, सी को तो देंगे ही नहीं, तो इसलिए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, सही है, बोलो सही है, बोलो यहां तक करेक्ट है ना। कई बच्चे चिल्ला रहे हैं सी भी डेबिट होगा, सी भी डेबिट होगा, अरे कर देता हूं शांति रखो, यहां तक तो इसी चैप्टर में सीखा है ना, और इससे पहले चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड में क्या सीखा था, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, जोर की बोलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू। तो अब वो एंट्री कर रहा हूं मैं आप लोगों को, गेनिंग पार्टनर कौन है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या बनेगी,
सबको समझ में आया है बात? अच्छा, क्या इन दोनों एंट्री को इकट्ठा भी कर सकते थे? हाँ जी कर सकते थे। क्या एंट्री बन जाती तब? प्रीमियम डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और बी को 18,750 से करो। ये बात सभी को स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई? ये बात कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। आज बस मैं इतना ही पढ़ाना चाहूंगा पिछली पढ़ाई हुई क्लासेस के हिसाब से। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, रिटेन इन बिजनेस, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस कराया था, उस पर 20 अनसॉल्व क्वेश्चन यहां तक काफी है। ठीक है, कोई इलस्ट्रेशन वगैरह पूछना चाहेंगे जो आपको दिया था? नहीं, पर मैं बताना चाहूंगा, इसे उतारने के बाद हम इलस्ट्रेशन पर चलेंगे। क्वेश्चंस को देखें, मैं देना चाहूंगा आप लोगों को होमवर्क। मैं ये कहना चाहूंगा 24 क्वेश्चन अभी ना करें। 24 क्वेश्चन में कुछ अलग केस है, अलग टाइप का केस है, ठीक है, तो अभी ना करें, होमवर्क लीजिए आप इसके बाद 25th, 26th, 27th, 28th और 29th और 30th, 31st, 32। इसमें अभी क्लास में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं 27 में, 29 में और 30, 31, 32 में। सही है, आइए सबसे पहले 27 पर आइए। 27 में सबसे लास्ट में आ जाइए, इसमें लिखा हुआ द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप 24,000 को अंडरलाइन कर ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट 24,000 है। क्या मतलब है इसका? उसका प्रॉफिट कितना है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नई पार्टनरशिप का मतलब है आफ्टर एडमिशन। क्या मतलब है? तो इसका मतलब इस 24,000 में प्रॉफिट जो है वो दो पार्टनर्स में नहीं बटेगा, वो सब में बटेगा। कितने पार्टनर्स हैं? तीनों में बटेगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट के बांटने की गारंटी ये करनी है इस क्वेश्चन में, लेकिन सबसे लास्ट में करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रीमियम ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? प्रीमियम लाने की और ट्रांसफर करने की, और फिर साल के लास्ट में 31 दिसंबर को या 31 मार्च को ये वाली एंट्री करनी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की क्या गारंटी बनेगी और वो गारंटी किस रेशो में बटेगी, ये दो बातों का जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं। आप भी सोचें और आप भी चलिए, कौन बताएगा इस क्लास में, कौन बताना चाहेगा? डिसाइड होगा, तो ये मैंने भी कहा कि किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। चलो वेरी गुड, शाबाश। देखो अगर आप इतना सोच लेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ गया। न्यू रेशो, किस रेशो में? न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सी रेशो में होगा? न्यू रेशो में। न्यू रेशो का मतलब कितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तीन में, क्योंकि न्यू रेशो में तीन ही तो होते हैं, तो तीन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने में होगा? तो गारंटी बन जाएगी, कौन बताएगा? वेरी गुड, इस गर्ल्स ने बिल्कुल सही बताया। क्या नाम है आपका? साक्षी ने बिल्कुल सही बताया है, गारंटी बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या बनेगा? आपको मालूम होगा ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 करके आ चुके हैं हम, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। तो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, न्यू रेशियो में 24,000 बांट देना। बोलो करेक्ट है? बस यही हिंट इसमें देना था, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पर, यह है काइंड पर। इस बुक के अनुसार यह केस है बनाया इन्होंने, और मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कैश आता है वैसे वैसे कोई भी एसेट्स आती है, जैसे कैश आ गया, स्टॉक आ गया,
तो हम उसे सिर्फ डेबिट कर देंगे। तो आइए देखते हैं एक्स वाई किस रेशो में है। जेड आ गया कितने शेयर के लिए और जेड क्या लेकर आ रहा है, तो जो जो लेकर आ रहा है वो सब डेबिट 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 डेबिट। स्टॉक लेकर आ रहा है स्टॉक डेबिट, डेटर्स लेकर आ रहा है डेटर्स डेबिट, लैंड लेकर आ रहा है लैंड डेबिट, प्लांट मशीन लेकर आ रहा है वो भी डेबिट। तो चारों डेबिट, चारों का टोटल तो बताओ जरा, बताइए। बच्चे कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं प्रीमियम में ये फैसला करना है और ये हम करेंगे मिलजुल कर। आइए, कहता ऑन द डेट गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये 6 लाख की जो गुडविल है ये किसकी है, एक पार्टनर्स की है जो नया आ रहा है या की है? पूरी फर्म की है। तो नए पार्टनर का हिस्सा इसमें कितना बनता है, बताइए नए पार्टनर का हिस्सा कितना बनता है, 1/4 कितना बनता है, 1/4। तो 6 लाख फर्म की के लिए, तो 1/4 के लिए, 1/4 के लिए, तो बच्चों में जो डिफरेंस आया वो कैपिटल वो हो गई 1,30,000 आ गया। बोलो आप क्या एंट्री बनेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट 2, 2 प्रीमियम अकाउंट कितना लिखोगे, 2 सीज कैपिटल अकाउंट कितना लिखोगे। दोबारा से बात करते हैं, डेबिट तो समझ में आ गया, क्रेडिट की बात करते हैं, 2 प्रीमियम अकाउंट कितना लिखोगे, 1,50,000 और 2 कैपिटल अकाउंट कितना लिखोगे, और नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम जितने से क्रेडिट है, तो प्रीमियम डेबिट 1,50,000 और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इस क्वेश्चन में पुराने वाले पार्टनर्स ही हैं और पुरानी वाली रेशो में हो जाएगा ये क्वेश्चन, वेरी गुड। अब 30, 31, 32 इन तीनों में क्या है, इसका टाइटल देख लो ऊपर हेडिंग, वो कह रहा है विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका मतलब है इसमें स्टूडेंट प्रीमियम को ट्रांसफर करने के बाद विड्रॉन भी करना है, क्या करना है। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने बताया था कि विड्रॉन कौन करता है, जिसको मिलता है। इस क्वेश्चन में किसको मिला, बी को, तो बी विड्रॉन करेगा। विड्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब प्रीमियम मिल गया तो शाम को जब पार्टनर अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं तो दो काम कर सकते हैं कि ऑफिस के गल्ले में, ऑफिस के तिजोरी में वो अपना गुडविल वाला प्रीमियम जो उन्हें मिला है, इस आदमी को मिला है 3,750 और इसे मिला है 15,000 रुपए, ये ऑफिस के गल्ले में ही रहने दिया जाए या ऑफिस के गल्ले से निकालकर अपने घर पर ले जाए। अगर ऑफिस के गल्ले में रहा तो बोलते हैं इट इज रिटेन इन द बिजनेस, और अगर ऑफिस के कैश में से निकालकर अपने घर पर ले गया तो इट इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। और विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस में दो एंट्री के बाद तीसरी एंट्री एक और आ जाएगी कि जिस पार्टनर को जो पार्टनर निकाल रहे हैं वो सब डेबिट और टू कैश या टू बैंक, टू कैश या। तो इन तीनों क्वेश्चनों में जिस जिस पार्टनर को गुडविल मिले तीनों में बोला गया, बोलेगा वो विड्रॉन फॉर्म बिजनेस, क्या बोलेगा, तो विड्रॉन करवा दीजिए। सेम ऐसी इलस्ट्रेशन भी थी, लास्ट वीडियो क्लास में कराया भी था। बोलो मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए आप। अब आप कहेंगे सर इसमें कैपिटल अकाउंट क्यों दिए हुए हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए, किस लिए दिए हुए हैं कैपिटल अकाउंट का हमारे को जनरली से कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब है जब वो लेजर अकाउंट्स बनवाएगा हमसे, क्या बनवाए, देखो क्वेश्चन के लास्ट में देखो, शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, तो वो आपसे कैपिटल अकाउंट बनवाना चाहते हैं, इसलिए उसका बैलेंस बीडी दिया है, क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट बनाना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना नेक्स्ट सीखेंगे, अभी फिलहाल आज हम जनरेंटी सीख रहे हैं। पहली एंट्री बोलो इस क्वेश्चन में क्या होगी 30 में, सी कितने है, तो सी बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल किसके नाम से, सी के नाम से, तो सी कैपिटल अकाउंट कितना, टू प्रीमियम अकाउंट कितना, हो गई एंट्री। चले आगे चले, अब इसके बाद प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और फिर जो सैक्रिफाइसिंग है वही डेबिट टू कैश अकाउंट, हो पाएगा, कर पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, अभी तक हमने दो मेथड करे और दोनों मेथड की पिछली क्लास में वीडियो क्लास की कॉन्सेप्ट क्लास ली थी और आज हमने क्वेश्चंस करने सीख लिए।
घर पर जाकर आपने घर पर क्या करना है, सारा होमवर्क करना है, स्केल से खींचनी है और गारंटी लिखनी है और नरेशन भी लिखनी है और पर्टिकुलर्स भी क्लोज करने हैं। सब होमवर्क कैसा करना है, सुंदर सुंदर, नीट एंड क्लीन, बोलो करेक्ट है, सबको कर लेंगे, जो उधर वीडियो क्लास देख रहे हैं वो भी कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो आज तक पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम केस नंबर, हमने 3 खत्म कर लिए बुक के हिसाब से, कैश में, रिटेन मिनस, विड्रॉन फॉर मिनस और काइंड। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं, क्रेडिट का पैसा लाना था, थोड़ा सा लाता है थोड़ा सा नहीं लाता, वो केस करेंगे हम, और अनेबल वाला केस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।